बिहार के लोगों के लिए सावधान रहने की जरूरत है। बिहार में अब आपको हाड़ कपा देने वाली ठंड का आगाज होता हुआ दिखाई देगा। इसकी वानगी तब दिखी जब बिहार के 24 जिलों में हालत अभी से खराब हो गई। तापमान में गिरावट की अगर स्थिति को देखा जाए तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को घर से बाहर निकलना होगा, लेकिन बड़े ही सावधानी से, और यदि बहुत जरूरी ना हो तो घर में ही रहने की सलाह भी दी जाएगी। ये सब कुछ होगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ जानकारी है और क्या मौसम को लेकर ताजा अपडेट है वो आपको बताना जरूरी है। इस बीच एक जानकारी और भी ले लीजिए। मौसम में उतार चढ़ाव के बीच राजधानी में बिजली की मांग घट गई है। यहाँ 6.50 लाख उपभोक्ता हैं, मतलब कि 6,50,000 के आसपास उपभोक्ता हैं। न्यूनतम 207 मेगावाट और अधिकतम 340 मेगावाट बिजली की मांग हो रही है। पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के महाप्रबंधक मुर्तजा हिलाल ने बताया है कि बिजली की कम मांग होने के कारण अब समस्याएं उत्पन्न नहीं हो रही है। महाप्रबंधक ने यह भी बताया है कि रात के 9 बजे के बाद बिजली की मांग में अचानक कमी आ जा रही है। शुक्रवार की रात 9 बजे की 301 मेगावाट बिजली की खपत हुई। रात 10 बजे तक मांग घटकर 268 पर आ गई। रात 2 बजे 212 मेगावाट, सुबह 4 बजे बिजली की खपत घटकर 207 मेगावाट पर आ गई। इसके अलावा सुबह 6 बजे से बिजली की मांग में वृद्धि होने लगी और मांग बढ़कर 231 मेगावाट पर आ गई। सुबह 7 बजे तक 267 मेगावाट, 9 बजे तक 330, 9:30 बजे तक 11:30 से दिन में 340 मेगावाट की खपत हुई। अधिकतम बिजली की मांग दिन में 2 घंटे तक हुई। महाप्रबंधक का कहना है कि अब कड़ाके की ठंड होने पर मांग बढ़ेगी। चक्रवाती तूफान मिचौंग के बाद प्रदेश के मौसम का मिजाज बदला है। पछुआ हवा का प्रभाव होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। वर्षा का सिलसिला खत्म होते ही घना कोहरा का प्रभाव प्रदेश में बना रहेगा। 48 घंटों के दौरान पटना सहित अधिसंख्य भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना जताई जा रही है। इसके कारण ये भी कहा जा रहा है कि ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है। इसके अलावा यदि बात करें शनिवार की तो उसका अपडेट भी आप जान लीजिए। शनिवार को पटना सहित 24 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 12.5 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। वहीं 0.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ पटना का न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के लखीसराय में 2.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, तो वहीं पटना सहित प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। पटना और आसपास के इलाके में सुबह के समय कोहरे का प्रभाव बना रहा। दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। शाम होते ही पछुआ के कारण लोग ठंड से परेशान दिखे। अब हम शनिवार को एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं कि मौसम का मिजाज कैसा रहा और किस जिले में तापमान क्या कुछ रहा। पटना में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर में 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान तो वहीं न्यूनतम 11 डिग्री रहा। भागलपुर में 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा तो वहीं 12 डिग्री यहां भी न्यूनतम तापमान रहा। दरभंगा की बात कर लें तो यहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही गया में 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ।